तो हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना दोस्त ट्विंकल रघुवीर पांचाल और आप देख रहे हैं ट्विंकल रघुवीर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं जो आज का टॉपिक लेके आया हूँ वो मसल मास को गेन करने के लिए है। आपको कुछ फूड्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी बॉडी को मसल गेन करने में बहुत ही लाभदायक होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि सर मसल गेन कैसे करें, मसल गेन के चक्कर में फैट गेन हो जाता है जो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो फ्रेंड्स, आज के जो मैं फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर आप उन सबको प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर टाइम टेबल के साथ ले तो मैं 101% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका मसल गेन ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफ मेंटेन रखने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि मैं आपको फूड्स बताऊँगा। एक बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। अगर प्रोटीन प्रॉपर आपकी बॉडी को मिलता रहे तो साइज क्यों ना गेन हो। जैसे कि आजकल के ऑफिस के बॉयज होते हैं और आजकल के जो यंगस्टर है जो आज के टाइम में पैसे जो कमाते हैं, उनको अपने जॉब पे जाने के बाद भी उनको टाइम नहीं मिल पाता जिम जाने का भी, वर्कआउट करने का, किसी चीज़ का भी, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं हो पाता। तो ऐसे में एक इंसान को कितने प्रोटीन तक का आपको कंज्यूम करना चाहिए वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जो आदमी, जो इंसान अगर वर्कआउट भी नहीं कर पाता उसको 0.8 ग्राम पर केजी तक का प्रोटीन चाहिए होता है एज ए नॉर्मल इंसान, ना कि जो जिम में जाने वाला या फिर वर्कआउट जो भी करता है उसको नहीं। उसको कम से भी कम इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको 0.8 ग्राम के समथिंग पर केजी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन लेना ही होगा। आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कितना वेट है कितना नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बट अगर आपका पर्पज़ बॉडी बिल्डिंग करना हो और फिज़िकल एक्टिविटी करना हो तो एक इंसान को अगर चाहिए होता है जो प्रोटीन चाहिए होता है वो 1.2 ग्राम तक का आपको कंज्यूम करना होगा। जो इंसान एक्टिव फिज़िकल एक्टिविटी करता है, वर्कआउट करता है, जिम में जाता है, उसको 1 से 2 ग्राम तक पर केजी के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना होगा। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन लेना ही ज़रूरी क्यों है? देखो, अगर प्रोटीन ले लोगे तो आपकी जो बॉडी है वो आपको खुद चेंज आता दिखेगा। उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ जो चीज़ें लेनी होती हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट। फैट पर ध्यान देना कि कितना परसेंट फैट आ रहा है कितना नहीं, और कार्बोहाइड्रेट आपको कितना लेना है, इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। और वो सब चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? वो आपको पता चलेगी BMI से। BMI होता है क्या है? BMI होता है बॉडी मसल इंटेक, जिसको आपको पर केजी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा। जिसके जो मैं अब ये बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुनना, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप में BMI कितना है, बॉडी मसल इंटेक। अगर आपका BMI 18.5 से नीचे है तो आप अंडर वेट की कैटेगरी में आओगे। अगर आपका वेट 18.5 से लेके 25.0 तक है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आओगे। पर जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपका वेट 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो, और अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो आप ओब्जेस हो, आप ओवर से भी ओवर की कैटेगरी में आते हो। जो भी मैं आपको ये सब फूड्स बताने जा रहा हूँ ये मेरी जर्नी के सबसे बेस्ट फूड है और सबसे ज़्यादा गेन करने वाले फूड्स है, जिसमें कि आपको भी रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये फूड्स आप प्रॉपर ले तो। जो भी फूड्स है, जो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप एक BMI की कैटेगरी में आते हो, बॉडी मसल इंटेक की कैटेगरी में आते हो, तो ये ऐसे फूड्स नहीं हैं जो आप इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, इनको खा नहीं सकते। इनको एक ऐसा पर्सन भी खा सकता है जो हेल्दी हो, जो कि आपको मसल गेन करने में सहायता देगा, ना कि फैट गेन करने में। तो चलिए, वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो आप आखिरी तक ये वीडियो देखिए, शायद आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपको अपनी लाइफ में कभी ना पता चला हो, खास करके यंगस्टर यूथ। तो चलिए चलते हैं।
तो आपकी मील का सबसे पहला जो फूड है वो है चिकन ब्रेस्ट। आपको तो पता ही होगा कि चिकन हमारी बॉडी को कैसे प्रोटीन देता है, किस मात्रा में प्रोटीन देता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 100 ग्राम में जो प्रोटीन होता है वो 25 से 30 ग्राम तक का आपको प्रोटीन मिल सकता है, जिसमें फैट की मात्रा आई थिंक 3 से 4 ग्राम तक होती है। तो जो नॉर्मल फैट है वो ऐसा नहीं है कि आपको ओवर फैट देगा या ओवर गेनिंग देगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन कंज्यूम करना होता है आपको। और आप सबसे पहले एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी चिकन ब्रेस्ट लो या अदर मीट वगैरह लो, तो उसका एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो फ्रेश हो, आपकी आंखों के सामने वॉश हो या जो भी हो। अगर आप घर पे भी लाते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके आप तभी उसको बनाएं, आप तभी उसको खाएं। जो फ्रेश होगा वो आपकी बॉडी को एक्टिव रखेगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो सभी काम होंगे। सभी काम में आप में ये नहीं होगी कि मेरे को आलस आ रहा है या एडेस्ट्रा कुछ भी। तो यही है कि पहला जो उम्मीद है कि आप अगर ये मील आपको पर डे में भी नहीं तो वीक में 3 से 4 बार तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आप इस चीज़ को आप अपनी मील में ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत मस्त आएगा, बहुत बेहतरीन आएगा। तो चलिए अभी हम चलते अपनी दूसरी डाइट और फूड पर। आप सभी को मैं ये बता दूं कि अगर आपके दिमाग में भी ये है तो कि नॉनवेज खाने से ही आप बॉडी बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वेजिटेरियन हो तो वेजिस चीज़ें भी खा के आप बॉडी बना सकते हो। तो दूसरे नंबर पर जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो वेज में ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है वो होती है ग्रीन मूंग की दाल, जो कि हर घर में आसानी से मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें यह है कि इतने भी लड़के लड़कियाँ हैं वो आराम से इसको बना के घर में खा सकते हैं। तो मेरा दूसरे नंबर पर इसको रखने के यही कारण था कि इसमें एक तो प्रोटीन हाई होता है, दूसरे ये हर घर में आसानी से मिल जाती है, और तीसरा जो है वो ये है कि इसमें कोई भी फैट नहीं होता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 100 ग्राम जो 100 ग्राम की जो दाल होती है उसमें 24 से 25 30 ग्राम तक का प्रोटीन आपको मिल सकता है, जिसमें फैट की जो मात्रा होती है वो 1.5 से लेके 2 ग्राम तक का फैट होता है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही मामूली चीज़ है, मामूली तो है नहीं कि हाँ, पता भी है मुझे कि दाल के आजकल हाई रेट हो रहे हैं और कंज्यूम करना भी, इसको ख़रीदना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर यह है कि नॉनवेज जो लड़के खाते हैं, जिसका बॉडी गोल है मास गेन करने का है, तो उसको तो इतना सब कुछ करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो मुझे ये इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर चिकन ब्रेस्ट और मूंग की दाल जो है ग्रीन वाली, वो अगर मूंग की दाल में आपको टेस्ट भी ना आए तो घर में अच्छे से आपको उसको बॉईल करके अच्छे से आप मसाला तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मसाला भी आपको उसमें डालना चाहिए, पर ये है कि जो उबले हुए चने होते हैं उनमें आपको थोड़ा सोल्ट थोड़ी मिर्च डाल के, मतलब एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के आप उस चीज़ को भी खा सकते हैं, जिसमें आपको हाई प्रोटीन मिलेगा। तो फ्रेंड, तीसरे नंबर पर आता है हमारा फूड जो होता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वे प्रोटीन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें भी 24 ग्राम तक प्रोटीन होता है 1 स्कूप में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स आपकी बॉडी को मिलेगा। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये प्रोटीन जो होता है ये लड़कियों को नहीं लेना चाहिए, तो ये सोच आपकी बहुत गलत है। लड़कियों को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो भी एनर्जी उसको चाहिए होती है। तो वे प्रोटीन लेने से पहले आपको सबसे बेस्ट और सबसे पहला जो ध्यान रखना होगा वो ये होगा कि आपका जो प्रोटीन है वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। ओरिजिनल ना हुआ तो आपकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है, जिसके बहुत से कारण हैं, एक्ने निकलना, पिंपल्स होना, बहुत सी मतलब ऐसे होना कि हाथ पैर पे मुंह पे सूजन आना। तो इन सब चीज़ों को ना करते हुए बेस्ट जो प्रोटीन होता है वो मैं आपको सजेशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपका कमेंट आता है तो।
और अगर आपका मैं कमेंट नहीं भी दे पाता, रिप्लाई भी नहीं दे पाता, तो आप मेरे इंस्टा आईडी जो कि है twinkle/raghuveer/panchal के नाम से आप उस पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने चलते हैं चौथे फूड पर। तो चौथा फूड है हमारा फिश, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटीन सोर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिश खाते हो, जिसमें कि आपको 100 ग्राम में 25 से 30 ग्राम तक का प्रोटीन मिल सकता है, और जिसका फैट होता है 8 से 12 ग्राम तक। पर आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये जो फैट होता है आपका नुकसानदायक नहीं होता। और नुकसानदायक क्यों नहीं होता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो ये फैट होता है ये आपको आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर स्किन के लिए, और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपके जो शरीर में होती है हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी सॉल्व करने में बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये 8 से 12 ग्राम तक का इसमें फैट होता है और 25 से 30 ग्राम तक का इसमें प्रोटीन होता है। फिश आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से एक्टिव रख सकता है, जो अगर आप उसको अच्छे से धो के आप वॉश करके उसको खाए और अच्छे से फ्राई करके उसको कंज्यूम करें। तो पांचवा फूड आता है हमारा एग। तो एग क्यों, एग इसलिए कि ये बहुत ही कम बजट में आपको एक अच्छा प्रोटीन सोर्स दे सकता है आपकी बॉडी को, जिसमें कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी में जो एक अंडा होता है उसमें 5.5 ग्राम तक का आपको एक प्रोटीन मिल सकता है। बट अगर आप विदाउट योक के अगर वाइट एग खाते हो उसमें 3 ग्राम तक का आपको प्रोटीन मिल सकता है विदाउट फैट के। आपको उसमें 0% तक का फैट मिलेगा अगर आप वाइट एग खाते हैं तो विदाउट योक के। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1 से 2 एग, 2 से 3 एग तक अगर पर डे खाते हैं तो आप योक के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपकी जो अंडरवेट है उनको मैं सजेशन करूँगा कि आप ये खाए। अगर आप दिन में 10 से 20 एग तक का खाते हैं तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप विदाउट योक के खाए, वाइट एग खाए, जो आपको प्रोटीन सोर्स अच्छा होगा, डाइजेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपको ओवर फैट नहीं देगा। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने चलते हैं लास्ट फूड पर। तो फ्रेंड, लास्ट जो फूड आता है वो सोया चंक्स आता है। सोया चंक्स होता क्या है, सोया चंक्स आपकी भाषा में और हमारी भाषा में जिसको बोलते हैं सोयाबीन। इसमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, जो आपको प्रोटीन मिलेगा भरपूर और मसल गेन करने में आपको लाभदायक होगा, जिसमें 100 ग्राम में 52 ग्राम तक का आपको प्रोटीन मिलेगा और फैट नाम मात्र के साथ साथ 0.5 ग्राम तक आपको फैट मिलेगा। मेरे जो बहुत से दोस्त हैं, मेरे जो बहुत से मतलब जहाँ पे मैं जिम करता हूँ, उनका एक ही कहना होता है, वो ये होता है कि आप अगर सोयाबीन खाते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन वो कम हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को अधिक मात्रा में खाते हैं, एज ए फूड्स खाना हो गया, कुछ भी मतलब पीना हो गया, अगर वो ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका पेट तो ख़राब हो गई। तो क्यों ना हम उसको एक हिसाब से खाए, जो मैं आपको सजेशन करूंगा कि 25 से 40 ग्राम तक अगर आप सोया चंक्स खाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इन फूड्स में बहुत सी चीज़ें ऐड नहीं करी, जैसे पनीर हो गया, चना हो गया और दही हो गया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे पीनट बटर हो गया, राइस हो गए, कि मैंने ये सब चीज़ ऐड क्यों नहीं की, तो दोस्तों मैं ऐड करने को तो कर देता, पर इसमें जितने भी जो चीज़ें छूटी हैं मुझसे, जो मैंने अपने फूड्स में ऐड नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। वो मैं उनको सजेशन करूँगा कि जो अंडरवेट है, अंडरवेट मतलब जिसका जिसके शरीर पर मास मसल है ही नहीं और जिसको फैट भी नहीं है, तो मतलब जो बिल्कुल ही 50 से नीचे की कैटेगरी में आते हैं, जो अंडरवेट, जो मैंने शुरू में आपको BMI बताया था, बॉडी मसल इंटेक के बारे में बताया था, वो उसे आप पता चला सकते हैं कि आप अंडरवेट है कि हाई वेट है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए बॉडी को लेके, बॉडी पर्पस से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर दूंगा, जो कि मेरी आईडी है twinkle/laghuveer/panchal के नाम से। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, ट्विंकल रघुवीर पांचाल के इंस्टा आईडी पर जाए और अपने क्वेश्चंस जो है आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे नहीं मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये जो ट्विंकल रघुवीर का यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ऐसी नॉलेज बॉडी से रिलेटेड अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आगे भी आपके लिए हर एक टॉपिक पर, हर एक चीज़ पर वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके और आपका कोई पागल ना बनाए। तो नेक्स्ट वीडियो में नाइस टू मीट यू एंड टेक केयर। आपका अपना दोस्त ट्विंकल रघुवीर पांचाल और आप देख रहे हैं ट्विंकल रघुवीर यूट्यूब चैनल।